हेलो गाइस, वेलकम इन क्यू फिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे सामने एक ये बोर्ड रखा हुआ है, डाइकिन इन्वर्टेड एसी का 5-स्टार यूनिट का ये बोर्ड है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो जो टेक्नीशियन हमारे पास इसको लेके आए हैं उनका कहना है कि इसके अंदर P4 का एरर आता है। तो आज जो है हम इसको रिपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो P4 का एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर पूरा जो सेटअप है वो लगा रखा है, इसका इंडोर आउटडोर की सब अटैचमेंट्स हमने सारे कर रखे हैं यहाँ पर। मैं आपको सबसे पहले सप्लाई ला करके जो है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जो एरर है वो किस टाइप का यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको सप्लाई दे देते हैं, यहाँ पर हमने इसको सप्लाई दे दी है। ये देख सकते हैं आप, इसका रिमोट है ये डाइकिन का। अब इससे हम जो है इसको ऑन करेंगे और अब जो है डाइकिन में क्या होता है कि अगर आउटडोर में कोई इश्यू होगा तो इंडोर के अंदर फटाफट से जो है वो एरर शो करने लग जाता है ये। तो हम जो है अभी तुरंत इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरर आ रहा है। तो एरर को चेक करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंसिल का बटन दिया हुआ है इस जगह पर। इस कैंसिल के बटन को अगर हम 5 सेकंड प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे आपको 00 जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो हम इसको IR सेंसर को दिखाते हुए जो है यहाँ पर इसका बटन प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर 00 का मतलब है कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल ऑपरेशन है। अब इसी कैंसिल के बटन को हम प्रेस करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे इसी से ही, तो यहाँ पर जो भी एरर होगा वहाँ पर लॉन्ग बीप आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें P4 का एरर आ रहा है जो कि हमें बताया गया था टेक्नीशियन के थ्रू, उन्होंने बताया था हमें कि इसके अंदर P4 का एरर आ रहा है। तो अभी जब हम इसका डाटा देखेंगे, इसका एप्लीकेशन आता है डाइकिन का, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर सारे एरर कोड्स होते हैं। तो अगर P4 का एरर हम देखेंगे तो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा फॉल्टी इन्वर्टर सर्किट हीट सिंक टेम्परेचर सेंसर का जो ये है एरर शो कर रहा है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो इस बोर्ड के अंदर जो हीट सिंक लगा होता है उसके अंदर तो कोई थर्मिस्टर अलग से नहीं लगा हुआ है, मतलब कोई भी एडिशनल एक्सटर्नल जो है हमारा थर्मिस्टर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। सेंसर जिसको हम एनटीसी सेंसर बोलते हैं वो कोई भी नहीं लगा हुआ है, ना ही इसके IPM के अंदर कोई सेंसर है, इस IPM के अंदर भी कोई सेंसर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इसमें जो थर्मिस्टर लगा हुआ है वो SMD में है। तो ये देख सकते हैं आप, इस जगह पर TH लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये TH, ये जो है यहाँ का टेम्परेचर मॉनिटर करता है, हीट सिंक का टेम्परेचर ये मॉनिटर करता है इस जगह पर थर्मिस्टर, यही हमारा सेंसर है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 25 से लेकर 28 डिग्री के बीच में 8 किलो ओम्स की रहती है रेजिस्टेंस इसकी जो होती है। तो अभी जो है हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं, या अपने अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो भी है हीट सिंक का हमें इसको इनपुट में नहीं मिल रहा होगा हीट सिंक का, जो भी इसको वोल्टेज मिलने चाहिए यहाँ पर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि ये थर्मिस्टर हमारा ठीक है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को ले आते हैं इस जगह पर, तो आप देखेंगे मल्टीमीटर हम ले आए इस जगह पर, इसको इस जगह पर रख लेते हैं हम, इसको ऑन कर लेते हैं मल्टीमीटर को। और अभी इसको सप्लाई तो दे रखी है, लाइट आ रही है हमारे आउटडोर के अंदर। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 15 वोल्ट का कैपेसिटर है। इस पर हम लोग 15 वोल्ट चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड जो है वो हमारा ऑन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये हमारा जो PCB है इसमें सप्लाई आ रही है अभी। और अभी जो है हम इस थर्मिस्टर के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि हमें सीधा सीधा एरर जो है इसी चीज़ का आ रहा है, तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई वोल्टेज है कि नहीं। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपको 50 mV मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत कम वोल्टेज है यहाँ पर। तो जो भी होगा डिवाइडर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करके हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पर कितने वोल्ट आने वाले हैं और कितने वोल्ट हमारे प्रोसेसर को जाने वाले हैं। तो अभी ये थर्मिस्टर को हम इसको ऑफ करेंगे और थर्मिस्टर को जो है वो चेक करेंगे रेजिस्टेंस मोड पर। तो मैंने मल्टीमीटर को जो है अभी रेजिस्टेंस मोड पर डाल लिया है, देख सकते हैं आप। तो अभी जो है हम यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस को जो है वो चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 8.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो है ये शो कर रहा है,
8.7 किलो ओम तो यहाँ पर ठीक दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो 27 to 28 डिग्री के बीच में है अभी। तो इसका मतलब यह है कि हमारा थर्मिस्टर ओके है। बट ये तो आपको पता है कि जो थर्मिस्टर होता है हमारा, ये NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट रजिस्टर। अब इस पे यहाँ पर तो ये वेरिएबल रजिस्टर हो गया, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से हमारा वेरी करेगा इसकी रजिस्टेंस जो होगी। बट अभी जो डिवाइडर बनेगा वो हमारा एक फिक्स रजिस्टर के थ्रू बनेगा, जिसको हम बायसिंग रजिस्टर बोलते हैं। तो उसको हमें ट्रेस करना पड़ेगा वो कहाँ है। तो हम सबसे पहले आप देखेंगे इस जगह पर, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको हाइट से दिखा देता हूँ, क्योंकि दिखने में प्रॉब्लम ना हो आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो इस तरफ तो आप देख रहे हैं ये हमारे तीनों IGBT जो IPM लगा है, इसमें तीन IGBT जो लो साइड के होते हैं उन तीनों का ग्राउंड है ये। तो यहाँ पर तो हमें शंट के थ्रू जीरो मतलब ग्राउंड मिलता है। तो इसका जो थर्मिस्टर का एक पॉइंट है ये हमारे यहाँ पर ग्राउंड कर रखा है, और दूसरी तरफ जो है ये आप देखेंगे इस जगह पर, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये डिवाइडर वाला पॉइंट होना चाहिए, जो कि हमारे आगे जाके किसी रेजिस्टेंस से मिलने वाला है। तो अभी देखेंगे उसको कौन सा रजिस्टर है। इसका मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काम करेगा, पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में काम करता, अभी ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काम करेगा। तो अभी जो है हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका जो ट्रैक है ये किस तरफ जा रहा है, और उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो इसके अक्रॉस होने चाहिए वो नहीं मिल रहा हमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इस जगह पर ये ट्रैक हमारा इस जगह पे गया है, यहाँ से इस जगह पे जा रहा है ये इस जगह पर। तो अब ये ड्यूल प्रिंटेड बोर्ड है, ड्यूल साइड प्रिंटेड बोर्ड है, तो इसके नीचे जो है हमें जाना पड़ेगा। तो इस जगह से आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ये दो डॉट है, तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो नीचे वाला जो साइड है वो हमारा हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं इस जगह से, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा है इसका जो नीचे की तरफ से आ रहा है। और अब इसी ट्रैक को देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला ट्रैक जो है हमारा है, जो कि बारीक ट्रैक है बिल्कुल, तो इसको हम देखते हुए चलेंगे इस जगह से। तो सबसे लास्ट वाला हमारा है, यहाँ से हम चलेंगे, अभी भी लास्ट वाला हमारा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला ट्रैक जो है अभी ऐड हो गया इसके साथ में, तो अभी सेकंड नंबर पे आ चुका है ट्रैक हमारा। अब सेकंड नंबर को हम चलेंगे पकड़ते हुए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे अभी सेकंड नंबर पे आ चुका था हमारा ट्रैक, अब सेकंड नंबर को हम पकड़ते हुए चलेंगे, तो ये वाला जो ट्रैक है नीचे जो अभी आ रहा है, ये वाला ट्रैक हमारा है इस जगह पर। तो इस वाले ट्रैक पर हमें चेक करना है कि ये जो ट्रैक है ये अब पीछे की तरफ जा चुका है, वापस फ्रंट ऑफ साइड पर देखेंगे तो इसको हम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस जंपर के पास मैं जिस तरीके से आइडिया लगाता हूँ उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, कि मैं इसी तरीके से पता करता हूँ कि ये डॉट कहाँ निकलेगा। तो इस जंपर के पास आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन डॉट आपस में हैं, उसके बाद जो है हमारा है। तो अभी हम जब इसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस जगह पे आएगा हमारा ट्रैक। तो इसको ऊपर कर लेते हैं अभी इस जगह पर। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो ट्रैक है हमारा, ये तीन रजिस्टर ये जंपर के सामने आप देखेंगे तो ये तीन आपस में आ गए हमारे, एरो के निशान टाइप बन जाएंगे ये। और उसी के बाद आप देखेंगे तो उसके पीछे की तरफ हमारा ये वाला ट्रैक था, जो कि हमारा इस जगह पर आ रहा है। तो एक बार हम बजर मोड पे चेक कर लेंगे इसको, कि ये जो ट्रैक हमने आइडेंटिफाई किया ये ठीक है कि नहीं, या कोई और दूसरा ट्रैक है हमारा। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी चेक करना है अभी। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी एंड डायोड मोड पर सेट है, और अभी जो है हम चेक करेंगे इसमें कि ये जो पॉइंट था हमारा, ये वाला पॉइंट हम ट्रेस कर रहे थे, ये हमारा इस जगह पे आ रहा है कि नहीं। तो इस जगह पर हमें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लैकर लगा रहता है सॉफ्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमने आइडेंटिफाई किया है ट्रैक कि हमारा यहाँ पहुँच रहा है, ये ठीक है। अब यहाँ से एक बायसिंग रेजिस्टेंस आपको दिख रही होगी इस जगह पर, जो कि क्योंकि ये तो हमारी रजिस्टर लग चुकी है पॉजिटिव से, जो कि हमारा NTC थर्मिस्टर है, और अब जो दूसरे रजिस्टर लगेगी वो पॉजिटिव से लगनी चाहिए, तभी हमारा डिवाइडर बनेगा। तो इस जगह पर जो है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको फोकस करके दिखा देता हूँ अच्छे से।
तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, बट ये फोकस नहीं हो पा रही है। तो मैं आगे का जो सीन है वो आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट था जहाँ पर हम इस रजिस्टर को देख रहे थे वो कौन सी जगह पर है। तो आप देखेंगे इस जगह पर, मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब रजिस्टर जो है हमारा, इसको थोड़ा सा हम लोग और बड़ा कर लेते हैं साइज़ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो रजिस्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, दो रजिस्टर लगे हुए हैं हमारे, एक इस जगह पर लगा हुआ है और एक इस जगह पर लगा हुआ है। तो ये तो 47 के एक रजिस्टर हो गई, 473। तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसमें जितने जीरो आप ऐड करते जाएंगे उसके हिसाब से वैल्यू बनती जाएगी। और यहाँ पर है आप देख रहे हैं, ये वैसे तो बीच से आई थिंक जो है ये फट चुका है, मतलब ये ख़राब है रजिस्टर हमारा। तो इस जगह पर जो रहे रजिस्टर, इस रजिस्टर पे हम, ये मुझे 102 दिख रहा है अभी, तो 102 इसमें ये तो 1K का हो गया, लेकिन 1K की रजिस्टर यहाँ पर देख लेते हैं अभी कौन सी रजिस्टर यहाँ पर लगनी चाहिए। तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम लोग, और क्लीन करने के बाद हम देखेंगे कौन सी रजिस्टर लगानी है यहाँ पर। इस सर्किट का वैसे हमारे पास पूरा डायग्राम है, तो हमें पता है यहाँ पर कौन से रजिस्टर लगानी है। तो अभी सबसे पहले तो इस रजिस्टर को चेक कर लेंगे हम लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन से रजिस्टर यहाँ पर लगेगी डायग्राम देख करके। तो आप देखेंगे ये मल्टीमीटर है हमारा, इसको वापस से हमें रजिस्टर्स मोड पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने रजिस्टेंस मोड पर रख दिया है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी ये रजिस्टेंस मोड पर है, और अभी जो है हम इसके यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हमें शो कर रहा है कि नहीं। तो ये 8.9 किलो ओम के रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो ये तो मुझे लगता है इसी के रेजिस्टेंस शो करने लग रहा है। तो इसको हम एक काम करते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पर तो हमने इस रजिस्टर को, इसकी जो 1 लैग है उसको ओपन कर दिया है, और अभी हम दोबारा से चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9.10 MΩ की रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल रही है, तो ये तो बहुत हाई वैल्यू हो गई। तो अभी इसको जो है हम लोग चेंज करेंगे, तो मैं डायग्राम में देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो है कौन सी वैल्यू की रजिस्टर लगनी चाहिए, क्योंकि इस बोर्ड का डायग्राम है हमारे पास, हमने अलग अलग सेक्शन के जो है डायग्राम बना के रख रखे हैं ऑलरेडी, तो उससे हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है डायग्राम में देख लिया है, ये जो रजिस्टर हमारी लगी है ये 8.2K की रजिस्टर है यहाँ पर। ये बीच में जो आपको मुझे जीरो लग रहा था पहले, तो ये बट ये यहाँ पर 8 लिखा हुआ था इसके बीच में, और लास्ट में 2 है, तो लास्ट में 2 0 लगाएंगे तो 18 के आगे 2 0 लगने से ये 1800 ओम की रजिस्टेंस हो जाएगी, 1800 ओम की रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो 1.8 की रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारी लगने वाली है। तो ये जो रजिस्टर लगी हुई है ये 603 पैकेज में है, और अच्छी क्वालिटी की रजिस्टर है ये। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे, और मैं आपको इसके बाद जो इसका बताऊंगा कि ये कैसे काम हो रहा है इस जगह पर। तो सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, और 603 पैकेज में दूसरा रजिस्टर यहाँ पर लगा देते हैं, और फिर चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आ रहे हैं कि नहीं।
तो ये हमने यहाँ से निकाल ली है रजिस्टर जो है, इसको यहाँ रख लेते हैं। और 1.8 के की रजिस्टर हम जो है यहाँ से लगा देंगे इसके अंदर। तो अभी आप देखेंगे ये जो हमारा रजिस्टर है यहाँ पर हमने लगा दिया है 1.8K की रजिस्टर यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा 5 वोल्ट के साथ अटैच होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अच्छे से जी। ठीक है, अब इस जगह पर आप देखेंगे तो ये जो है 5 वोल्ट हमारे इस जगह पर होने चाहिए, और क्योंकि ग्राउंड से हमारे रजिस्टर जो NTC थर्मिस्टर लगा हुआ था हमारा ये वाला, इस जगह पर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ये दिख रहा है आपको थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर हमारा ग्राउंड से लगा था। तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो हमारा डिवाइडर बनेगा, और ये डिवाइडर जो होगा जहाँ पर ये दोनों रजिस्टर आपस में मिलेगी, ये जो डिवाइडर होगा ये हमारा IC पे जाएगा एक रजिस्टर लग करके। तो हम देख लेते हैं वो रजिस्टर कहाँ पर है जिससे हमारी प्रोसेसर पे सिग्नल जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ही वाला डिवाइडेड पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ से ये रजिस्टर के ट्रैक यहाँ पर आ रहा था, ये दोनों आपस में मिल चुकी है यहाँ पर। अब ये 47K की जो रजिस्टर लगी हुई है इससे हमारी सप्लाई इस जगह पर जाएगी और यहाँ से फिर प्रोसेसर के अंदर एंटर करेगी। तो अभी जो है हम इसको चेक कर लेते हैं ये 47K की रजिस्टर ठीक है या नहीं। तो इसको रेजिस्टेंस मोड पे रखते हुए हम फिर से चेक कर लेंगे इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पर 41K दिखा रहा है, इट्स मीन ये ठीक है, ज़्यादा नहीं शो करना चाहिए ये। तो अभी क्या है, हमें इसको ऑन करना है PCB को, और हमें देखना है कि ये जो एरर था वो हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि डाइकिन में क्या होता है कि एरर जो है वो तुरंत आ जाता है, तो इसमें वेट करने का हमको कोई झंझट नहीं रहता इसके अंदर कि आपको वेट करना पड़े। जो है हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे डिवाइडर के अक्रॉस जो वोल्टेज आने चाहिए थे वो आए कि नहीं, या हम इस थर्मिस्टर के अक्रॉस भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज। तो आप देखेंगे 4 वोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 वोल्ट आ चुके हैं, तो अब ये 4 वोल्ट यहाँ पर है, तो 1 वोल्ट हमारे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने चाहिए, तो देख सकते हैं करीब 1 वोल्ट के आसपास है। तो ये जो है इस तरीके से काम करेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके यहाँ पर कितने वोल्ट है, तो इस जगह पर हम ग्राउंड से चेक करेंगे डिवाइडर के बीच में कितने वोल्ट है, मतलब इस जगह पर, तो ये हमें 4 वोल्ट दिखा ही रहा था। तो इसका मतलब ये है कि वो रजिस्टर हमारी ख़राब थी, जिसमें कि हमें दिख भी गया था फिज़िकल में ही कि वो ख़राब है। अब ये जो चीज़ें हैं इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका फार्मूला है डिवाइडर का फार्मूला जो है नॉर्मल, वही फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। और आप इसको जो है, अब ये थर्मिस्टर NTC है, तो जब इसका टेम्परेचर हाई होगा तो इसकी रजिस्टेंस लो होने लग जाएगी, जिससे क्या होगा यहाँ पर ग्राउंड का रेफरेंस ज़्यादा होने लगेगा पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर इसको इनपुट में जो है वो धीरे धीरे वोल्टेज जो यहाँ पर अभी हमें 4 वोल्ट मिल रहे हैं वो धीरे धीरे घटने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि इसको पता चल जाए कि भाई टेम्परेचर जो है यहाँ पर हमारा हाई हो गया है, तो उस कंडीशन में ये इसको प्रोडक्शन में डालेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से काम करती है। तो अगर मैं आपको इसको मैं एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसकी सप्लाई निकाल दी है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से चलता है सिस्टम। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। कोई सा भी थर्मिस्टर से रिलेटेड सर्किट हो वो इसी तरीके से डिज़ाइन होता है,
क्योंकि आईसी को ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है, उसको वोल्टेज थ्रू के वोल्टेज ड्रॉप के थ्रू ही पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है बोल करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि एक रजिस्टर जो है वो फिक्स रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ पर हमारे पास प्लस 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट से हमारे पास एक रजिस्टर आएगी इस तरीके से। ये 1.8K की रजिस्टर थी हमारी इस बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको अभी। और उसी समय जब हम देखेंगे तो एक रजिस्टर जो है हमारी ये हमारे पास आई गई है इस जगह पर, जो कि हमारे ग्राउंड से कनेक्टेड है 0 वोल्ट से। तो इस तरफ क्या है कि अभी हमें ग्राउंड और डिवाइडर के जो ये डिवाइडेड पॉइंट इसे बोलते हैं, जहाँ पर दो रजिस्टर आपस में आके मिलते हैं उसे डिवाइडेड पॉइंट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में हमें रजिस्टेंस की वैल्यू सॉरी रजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता है कि भाई कौन कौन से रजिस्टर लगी है। तो हम यहाँ पर देखा कि 8.5K की रजिस्टर लगी हुई थी इस जगह पर, तो हम इसको 8.5K कर देते हैं। और अभी 5 वोल्ट हमारे पास पॉजिटिव से 1.8 की रजिस्टेंस के थ्रू आएंगे, और ग्राउंड जो है हमारे पास 8.5K की रजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आएगा। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो भी वोल्टेज है वो हमें मिलने वाले हैं, उसके लिए आप बेसिकली एक फार्मूला है वो आप लगा सकते हैं इन दोनों के बीच के जो वोल्टेज है ग्राउंड और इसके। तो हमने चेक किया था सबसे पहले, तो ग्राउंड और इनके बीच में हमें 4 वोल्ट मिल रहे थे, तो 1 वोल्ट हमारे इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है यहाँ पर इस जगह पर आ जाएंगे, ये 1 वोल्ट। तो इस तरीके से टोटल 5 वोल्ट को हमने डिवाइड कर दिया है। अब ये 4 वोल्ट जो है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट है, ये जो रजिस्टर हमारा लगा है ये तो वेरिएबल है, ये हमारे टेम्परेचर के हिसाब से जो है घटता बढ़ता रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर ये वोल्टेज जो है ये वेरी करेंगे जब टेम्परेचर हमारा घटेगा बढ़ेगा। तो अभी आप देखेंगे ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगा हुआ है ये वाला जो हमारा थर्मिस्टर है, तो जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो इसकी ये अपनी रजिस्टेंस को क्या करने लग जाएगा, ये कम करेगा अपने रजिस्टेंस को, जिससे क्या होगा हमारा जो यहाँ पर वोल्टेज 4 वोल्ट है ये धीरे धीरे लो होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि यही वोल्ट हमारा 47K की रजिस्टर लगी हुई है एक और 47K, और ये सीधा हमारा एमसीयू में जा रहा होगा। एक कैप्चर और लगा दिया होगा ताकि इनके जो रिएक्टिव इंडक्टेंस है रजिस्टेंस के अक्रॉस उसको कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पर इसको ग्राउंड से कर देते हैं और ये सीधा एमसीयू में चला जाता है आपके। तो इस तरीके से भी सर्किट आपको देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर आपने देखा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमारा एनटीसी लगा हुआ है। एक इस तरीके से भी हो सकता है कि जो एनटीसी है उसको पॉजिटिव की तरफ रखा जाए इस तरफ, और यहाँ पर जो है ये एनटीसी हमने लगा दिया है इस जगह पर, और ग्राउंड पे हम फिक्स रजिस्टर लगाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस घटेगी बढ़ेगी, तो पहले क्या हो रहा था जब इसकी रेजिस्टेंस हमारी कम हो रही थी तो यहाँ वोल्टेज भी कम हो रहा था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने लगेंगे, क्योंकि अब पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में हमारा एनटीसी काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है ये आपको सर्किट में देखना पड़ता है कि किस तरीके से बनी हुई है। अब इसके लिए आप अगर इसको आउटपुट फार्मूला निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने चेक कर लिया भाई आपके थर्मिस्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 8.5K है, और हमारी फिक्स रजिस्टर की वैल्यू है जो कि जिसको कि हम बाइसिंग रजिस्टेंस बोलते हैं ये हमारी 1.8 है। तो आप बेसिकली ये वाला फार्मूला लगाएंगे डिवाइडर वाला, आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाय वी इन। इस तरीके से आपका आउटपुट जो है वो आ जाएगा कि कितने वोल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ग्राउंड टू डिवाइडेड। तो अभी जो है हम इस जगह पर ये फॉर्मूले को ला करके देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला जो हमारे 4 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं ये ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आर टू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आर टू की वैल्यू जो ग्राउंड से आ रही है ये हमारे पास आर टू हो गया, जो कि है 8.5K, 8.5K हमारे पास हो गया ये। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास आर वन की वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, आर वन की वैल्यू हमारे पास 1.8K है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.8। उसके बाद इसको प्लस करेंगे वापस आर टू के साथ, तो हमारे पास आर टू की वैल्यू है 8.5, ये हमारे पास आर वन है, ये आर टू हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई दी गई है ये है हमारे पास प्लस 5 वोल्ट, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसी चीज़ को हम कैलकुलेटर पर करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। तो इस जगह पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आर टू की वैल्यू है हमारे पास 8.5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8.5 प्लस 1.8 जो है उसको जोड़ देंगे, तो आपका 8.5 प्लस 1.8 आपका हो गया 10.3। उसके बाद जो है इसको हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे 5 वोल्ट के साथ, तो जो भी हमारा आंसर होगा ये हमारे आउटपुट होंगे। तो 4.1 वोल्ट हमें जो कि ठीक मिल रहे हैं, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है रेजिस्टेंस का, ये इतना चलता है। तो हमारा जो आंसर आया है ये आया है 4.1 वोल्ट, जो कि यहाँ पर हमें अभी देखने को मिला था
अभी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती है, ये जो चीज़ें होती है इस तरीके से काम करती है। और अभी इसमें ये हमने कंप्रेसर वगैरह जो है वो सब अटैच कर रखा है इस जगह पर। अब इसको हम ऑन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डाइकिन के बोर्ड में आपको यहाँ पर ओवीसी लगाना पड़ता है जो कि यहाँ पर लगेगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे 3 सेंसर लगेंगे तो हमें सेंसर भी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तो सेंसर भी लगा लेते हैं इस जगह पर। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर इस जगह पर सेंसर लगा लिया, इसमें ये इसका ओवीसी है, ये जिसको थर्मोस्टेट भी बोलते हैं लोग बाग, ये कंप्रेसर के ऊपर लगा रहता है। ये इसकी देखेंगे आउटडोर की डीसी मोटर है और इसमें थोड़े से जो कनेक्शन होता है, जो इसका कनेक्टर होता है वो उल्टा होता है, मतलब अगर आप नॉर्मल कनेक्टर लगाएंगे तो उसका इस तरफ जो होता है वो 15 वोल्ट का होता है, इधर 300 वोल्ट का इस तरफ है, इसमें ये उल्टा रहता है इसका। तो अभी ये आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने हीट सिंक भी लगा दी है ताकि अगर मान लो कुछ देर चले तो आईपीएम जो है वो हीट ना हो। तो अभी जो है हम इसको सेटअप को ऑन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो वर्किंग में आया है नहीं। तो यहाँ पर सप्लाई दे दी अभी हमने इसको, और इसको अभी इंडोर से ऑन करेंगे। तो अभी हमने इसको ऑन कर दिया है। इसमें जो रिले लगी रहती है वो 2 रिले है यहाँ पर, एक ये एसएमपीएस को स्टार्ट करती है ये वाली रिले, और ये 300 वोल्ट को एक्टिव करती है आगे सप्लाई देने के लिए, तो 2 रिले लगी रहती है। अभी यहाँ पर ऑन कर दिया हमने इसको, अब कुछ समय का वेट करेंगे और देखते हैं कि जो हमारा यूनिट है वो स्टार्ट होता है या नहीं। ये इसमें और भी कोई प्रॉब्लम है तो एरर भी चेक कर लेंगे इसमें साथ के साथ ही। तो आप देखेंगे इसका जो आउटडोर की मोटर है वो स्टार्ट हो चुकी है, अब कंप्रेसर स्टार्ट होने वाला है इसका। तो कंप्रेसर भी जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसके UVW के कनेक्शन उल्टे हो गए हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर तो उल्टा चल रहा है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग एक फेस को उल्टा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एरर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको दिखा करके हम लोग, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, वापस इसमें आ गया नॉर्मल कंडीशन में, इसको ऑफ कर देते हैं आप। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो बोर्ड है हमने रिपेयर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो थैंक यू सो मच।